गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनमोजी ब्लॉग्स में। जो मन आए वही करो जी। मैं तो सुबह के 7 बज रहे हैं और चाय पीने का टाइम है। तो आज हम लोग जाने वाले थे राजगीर के ग्लास ब्रिज पे, जो कि शायद इंडिया का फर्स्ट ऐसा ब्रिज है जो ग्लास ब्रिज है। तो आज हम लोग वहाँ जाएंगे और आपको भी लेकर चलते हैं और दिखाते हैं ग्लास ब्रिज। अभी तो फ़िलहाल मैं चाय पी रहा हूँ, उसके बाद रेडी होऊंगा फिर चलते हैं। आपको राजगीर की सैर भी कराते हैं और थोड़ा राजगीर का आनंद मज़ा लेते हैं। तो फिलहाल गाइज हम लोग पहुंच गए हैं एंड सॉरी एंट्री गेट की वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड और 8 बजे से लेकर 11 बजे तक लाइन में लगा रहा टिकट के लिए, वो भी एंट्री गेट के टिकट के लिए, क्योंकि अभी ग्लास ब्रिज की टिकट हमें अंदर जाकर मिलेगी। तो 50 रुपये की एंट्री गेट टिकट मिली है उसके लिए, क्योंकि यहाँ से हमें बस लेकर जाएगी। तो हमारी बस आ चुकी है तो हम चलते हैं। जल्दी जल्दी जा रहा ढोबो, समझो ना, काकि सवेरे बंद होगा, जरा जाना है मीटिंग में। हमें जल्दी कर दे भैया, आने वाला खाली हो जाएगा। तो हम लोग अब ट्रेन में बैठ चुके हैं। एंट्री गेट पर अब हमें उसके लिए अलग से टिकट लेना पड़ेगा यहाँ से, तो उतर के अब टिकट लेने चलते हैं। और ये यहाँ का एंट्री एंड वेलकम गेट है, तो इसका प्यारा व्यू है, बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। तो उसकी टिकट सामने मिल रही है, तो जा रहा हूँ मैं टिकट लेने के लिए। और ये टिकट का चार्ट है और ये फाइनली मैंने टिकट ले लिया है। तो फाइनली गाइस अब हम लोग जा रहे हैं ग्लास ब्रिज की साइड पे, जिसके लिए बहुत ही मेहनत, सिद्धू जो है 1.5 घंटा 3 घंटा हॉस्पिटलों की लाइन में जैसे मरीजों की तरह लगे रहते हैं, वैसे टिकट के लिए लगे रहे। तो अब जा रहे हैं और आपको भी दिखाते हैं, चलिए स्काई बॉल का मजा लेते हैं और तुमको भी देते हैं का गबरू। तो अभी ये जो रास्ता जा रहा है, यही ग्लास स्काई के साइड जा रहा है। तो ग्लास ब्रिज जाने के लिए दोबारा से एक लाइन, तो चलिए इसको भी खत्म करते हैं और चलते हैं फिर ग्लास ब्रिज की साइड। Thank you.
लोग पहुंच गए हैं ग्लास ब्रिज पे, तो मैं उसके ऊपर ही हूँ, तो आपको दिखाता हूँ ज़्यादा बकवास ना करते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड हो रखा है इस टाइम पे ग्लास ब्रिज का, और फ्लेवर भी हिल भी रहा है। तो बाकी अगर कोई भी आ रहा है तो वो अगर इस ग्लास ब्रिज पे आ रहे हैं तो वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो अपने बच्चों को ना लाए, क्योंकि उनकी एंट्री ग्लास ब्रिज पर नहीं है। क्या है? नहीं है, नहीं लेकर है। खड़ा रहे फुटबॉल नहीं खींचे मेरे आशीष लेना आशीष फोटो ले। हेलो बाबू खड़ा है ये डरना नहीं है भाई थोड़ा साइड होना तो भाई भाई क्या कैमरा में आने पर रुक जाइए चलिए आगे बढ़ते रहिए अपने। फाइनली गाइस आप लोगों ने देख लिया ग्लास ब्रिज यही है, कुछ ज़्यादा कुछ खास लगा नहीं, पर हाँ एक डर अंदर का लगा और बहुत मज़ा भी आया घूमने में मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस है। बाकी आप लोग भी आइएगा तो बस एक बात दोबारा बता दे रहा हूँ कि आप अपने साथ आ रहे हैं तो बच्चों को लेकर साथ में ना आए, क्योंकि फिर वो उनकी एंट्री नहीं होती इस ग्लास ब्रिज पर। तो जैसा भी आप पाना होगा फिर आ सकते हैं और घूम सकते हैं इस जगह पर। वैसे भी बहुत ज़्यादा क्राउड चल रहा है और बहुत देर तक में नंबर आता है, जैसे कि आप किसी सरकारी अस्पताल में बैठे हो, जैसे होता है कि दवाई के पर्चे के लिए आप लाइन में बैठे हो, उसके बाद आप डॉक्टर के लिए लाइन में बैठे हो, फिर दवाई के लिए लाइन में बैठे हो। तो वैसे ही यहाँ तक आने के लिए मैं सुबह 8 बजे से आ चुका हूँ, अब बज रहे हैं दोपहर के 12, तो इतना टाइम लग गया बस इस ग्लास ब्रिज पर आने के लिए। तो बस यही था ग्लास ब्रिज। तो हेलो गाइस, अब हम आपको लेकर चल रहे हैं सस्पेंस ब्रिज की साइड में। ग्लास ब्रिज में मज़ा नहीं आया, हिल रहा था बस, कुछ खास था नहीं उसके अंदर। मुझे लगा वो चाइना वाइना वाला जो था ना माल मटेरियल जो लगाया था उसमें मज़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं था। बाकी इधर इस साइड में सस्पेंस ब्रिज है तो उस साइड जा रहा हूँ, देखते हैं उस साइड पे क्या है क्या नहीं है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, आपको दिखाते सस्पेंस ब्रिज। तो चलिए, तो ये जो आप सामने देख रहे हैं सस्पेंस ब्रिज यही है, जिसके बीच में एक भी सपोर्ट नहीं है और ये बीच में शायद ये हिलता भी है, तो इस पर हम जरूर जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे सस्पेंस ब्रिज। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो फिलहाल मैंने टिकट ले लिया है, इसका मात्र 10 रुपये टिकट है और मुझे जहाँ तक लग रहा है ग्लास ब्रिज से ज़्यादा मज़ा इसमें आने वाला है, क्योंकि ये पुल में बीच में सपोर्ट नहीं है और बिल्कुल हिल रहा है, ऐसे ऐसे हिल रहा है, ऐसे ऐसे चलते हैं इसके ऊपर आपको दिखाते हैं। ये हिलना शुरू हो गया है, बाकी काफ़ी अच्छा, बाकी अच्छा सपोर्ट दे रखा है काफ़ी ऊपर ऊपर तक, तो ये काफ़ी हिल रहा है ब्रिज, मतलब ये ग्लास ब्रिज से भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे तो। अब इस ब्रिज पे आने के बाद ऐसा लग रहा है कि उस ग्लास ब्रिज पर जाकर मैंने 120 रुपये बर्बाद कर दिए, तो वे 10 रुपये में जो मज़ा है वो ग्लास ब्रिज में मज़ा नहीं है। तो सच बता रहा हूँ कि जो भी ग्लास ब्रिज आ रहे हैं वो इस वाले ब्रिज पर ज़रूर आए, बस मात्र 10 रुपये टिकट है और आपको उससे ज़्यादा मज़ा इसमें आएगा। तो गाइस बहुत मज़ा आ रहा है इस ब्रिज पर, कसम से बहुत मज़ा आ रहा है। ये भी दो, ये देखिए बैकग्राउंड इसके पीछे ये देखिए बैकग्राउंड इसका इस साइड का, और ये मेरे जैसी पुल है और इसके जैसे पीछे का बैकग्राउंड, और ये मैं आपको चारों तरफ कैमरा घुमाकर दिखाता हूँ बैकग्राउंड का, करवा फिर आ गया। और ये कसम से गाइस बहुत छोटा ब्रिज है पर बहुत हिलता है, ये देखिए जैसे मैं हिल रहा हूँ ना ये ब्रिज, ये बहुत ज़्यादा हिल रहा है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, भूकंप आ गया इस ब्रिज पे, कसम से बहुत मज़ा आ गया इस ब्रिज पर, मैं आपको बता नहीं सकता। तो जो भी आप ग्लास ब्रिज आ रहे हो मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोग यहाँ पर भी आइए, मात्र दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए मात्र बस 10 रुपये टिकट है, आप यहाँ पर भी आइए और पूरा मज़ा लीजिए। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ बाद में।
ये देखिए ब्रिज किस तरीके से हिल रहा है ये, क्योंकि बिना सपोर्ट के भूकंप आ गया और बहुत ही मजा आ रहा है इस ब्रिज पे। मात्र 10 रुपए टिकट में बार शांत शांत आइला मजा। ये देख किस तरीके से पुल फ्लाईओवर हिल रहा है, बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से हिल रहा है। और हम तो गाइस कैसा लगा आपको ये लास्ट वाला फ्लाईओवर? तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बूम बम मचा दीजिए पूरी यूट्यूब पर, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को फैलाइए। और आप भी आइए, आपको बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि ये वादियाँ जो हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ा आने वाली।